दोस्तों मेरे सामने एक पेशेंट हैं जिनके पांव के अंदर लगता है कि हमेशा गीला है, और वैसे कोई और तकलीफ है जिसकी गीला गला क्या फील करते हैं आप? गीला ही है वो। हाँ बल्कि वैसे पांव एकदम सूखा रहता है, पांव में एकदम कोई दिक्कत नहीं, बट हमेशा लगता है गीले पानी जैसा चल रहे हैं। तो डायबिटीज मरीज को जब भी ये सिम्टम होते हैं कि पांव गीला है या भारी है या ठंडा है, इसमें वजन बढ़ा हुआ है, तो जब भी ऐसा फील हो कि पांव ठंडे ठंडे हैं, भारी है, बहुत उस पर हवा भी चुभ रही है या रजाई भी चुभ रही है या उसके अंदर सुइयाँ चुभ रही हैं, जलन हो रहा या लग रहा है कि उसके अंदर आप रुई के ऊपर चल रहे हैं या चलते समय आपके पांव से चप्पल निकल जाए, तो ये सब सिम्टम होते हैं, या पांव सुनपन लगे, भारी लगे, ये सब सिम्टम होते हैं डायबिटीज़ का इफेक्ट नर्व्स के अंदर, नसों के अंदर होने के लक्षण हैं। क्योंकि जब भी डायबिटीज का असर नसों में होता है, कुछ भी होता है, किसी को जलन होती है, किसी को दर्द होता है, किसी को सुनपन होती है, डिफरेंट कई नर्व्स होती हैं, कौन सा नर्व इन्वॉल्व होगा बेस्ड ऑन दैट सिम्टम होते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो डायबिटीज कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको कई दवा आती हैं जो कि नर्व्स को रिपेयर करती हैं, जैसे इपारिलेस्टैट होती है, बेनफ्यूटियामिन होती है, मेथी कोबालामिन होता है, इसके बाद हमारा जिंक होता है, सेलिनियम होता है, क्रोमियम होता है, मिनरल्स होते हैं, फिर होता है प्रीगाबलिन, गाबापेंटिन, इमिप्रामिन, इसके बाद एमिट्रिप्टिलिन, तो कई ड्रग्स आती हैं अलॉन्ग विद दैट हमारे कई नर्व के जो ग्रोथ फैक्टर्स आती हैं, कुछ मल्टीविटामिन्स आते हैं जो कि नर्व्स को रिलीफ देती हैं। नॉर्मली क्या होता है, दवा स्टार्ट करने के बाद विद इन 2 मंथ के अंदर ये सिम्टम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म करने में करीब 1 साल लगते हैं। तो डायबिटीज के साथ साथ ये दवा लें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन जब भी डायबिटीज असर नसों में आता है तो उनको पाँव के अंदर थोड़ा सेंसेशन कम होने लगता है, जिसकी वजह से कभी चलने में पाँव में घाव का खतरा होता है, जो मरीज फील नहीं कर पाता है। तो जब भी अगर आपको डायबिटीज असर नसों में आ रखा है तो फोकस सही करिए भाई साहब, जब भी नहीं कुछ नहीं ऐसे ऐसे बस फोकस देख रहे, तो जब भी ऐसा हुआ करे तो आपको अपना पैर का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। तो मेरा एक वीडियो है फुट केयर एंड डायबिटीज, प्लीज़ को सुने समझें और उसको फॉलो करें। अगर आपको पाँव में से तकलीफ हो रही है प्लीज़ घबराएं मत, आप अच्छे डायबिटीज स्पेशली एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलें। आपको कुछ टेस्ट करने के बाद उसके लिए हम नर्व परसेप्शन थ्रेशोल्ड जो किया मैंने वो करते हैं, बीपीटी करते हैं, कभी नर्व कंडक्शन वेलोसिटी चेक करते हैं नर्व के लिए, बेस्ड ऑन दैट ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद विद इन 1 ईयर प्रॉब्लम ठीक हो जाती है।